की शुरुआत एक अनाथालय से होता है जहाँ पर कुछ बच्चे पैप्सी के कैन से फुटबॉल खेल रहे थे तभी वहाँ पर सिस्टर आग बबूला आकर फुटबॉल की रेफरी की तरह सिटी बजाती है और उन सभी बच्चों को अपने अपने बक्से में जाने के लिए कहती है तब वो सभी बच्चे सिस्टर से और कुछ देर खेलने के लिए अनुमति मांगते हैं और सिस्टर को पटाने के लिए उसके सामने गाना गाना नाचना ये सब कुछ करते हैं लेकिन इतने दिनों तक सिस्टर को कोई पटा नहीं पाया तो वो बच्चे किस खेत की मूली है इसी बीच वहाँ से होकर तीन सौ के स्पीड ऐसी एक कार गुजरती है जिसके अंदर ऐसी कोई सिस्टर बबूला की तरफ एक झोला फेंक कर जाता है झोले के अंदर से सबसे पहले एक बच्चा सिस्टर के मुंह पर एक जोरदार घुसंट जड़ता है और सिस्टर बैग गियर लगा कर खोपचे में जाकर गिरती है उस बैग के अंदर तीन खूबसूरत बच्चे थे जिनमें से एक पूरा टकला एक आधा टकला और एक का सुनहरा बाल था उनको देख कर वो सभी सिस्टर कहती है की ये तीनों बच्चे स्वर्ग ऐसी सीधा यहाँ पर लैंड हुए हैं अब उन बच्चों को कौन संभालेगा इसको तय करने के लिए वो सभी सिस्टर्स आपस में बहस करने लगती है उन्हीं में से एक कहती है नहीं उसे मैं संभालूंगी नहीं मैं संभालूंगी नहीं मैं संभालूंगी नहीं मैं संभालूंगी खैर वो लोग उन बच्चों का नामकरण करके मोई लारी और कार्ली रखते हैं इसके बाद पलक झपकते ही दस साल गुजर जाते हैं और अब तक उस अनाथालय के सभी सिस्टर्स उन तीनों बच्चों से बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो तीनों बच्चे बच्चों की जगह पर मुसीबत की पुड़िया थी सिस्टर्स के नाक पर तो वो तीनों बच्चे दम करके रखे थे और एक सिस्टर को तो वो बच्चे कुत्ते के पट्टे के साथ बांध कर उसके दांतों की सर्जरी भी कर देता है इन सब ऐसी अनाथालय के सभी सिस्टर्स बहुत परेशान थी इसी बीच एक दिन एक सिस्टर चिंतित होकर हेड सिस्टर के पास आती है और उनसे कहती है सिस्टर सिस्टर अनर्थ हो गया पाँच मिनट के अंदर एक बहुत अमीर आदमी अपनी बीवी को लेकर बच्चा अडॉप्ट करने के लिए हमारे इस अनाथालय में पधार रहे हैं ये बात सुनकर हेड सिस्टर कहती है लेकिन इतनी जल्दी हम अनाथालय के सभी बच्चों को कैसे तैयार कर पाएंगे तब वो सभी सिस्टर्स मिलकर एक प्लान बनाती है कि वो लोग अनाथालय के सभी बच्चों को छुपा देंगे और उन तीनों बदमाशों को ही सिर्फ बाहर रखेंगे ताकि वो फैमिली उन तीनों में से किसी को एडॉप्ट कर ले और इससे उनमें से एक से तो उन्हें छुटकारा मिल ही जाएगा अब थोड़ी देर में वो अमीर कपल मिस्टर और मिसेस हेटर उस अनाथालय में पहुंच जाते हैं और मिसेस हेटर कहती है बच्चे के बिना हमारा एक दिन नहीं निकल रहा इसीलिए हम झटपट यहाँ आ गए तब हेडन कहती है ये तो अच्छी बात है बच्चे मन के सच्चे और हमारे पास आपके लिए तीन कड़क माल है ये बात सुनकर मिस्टर हेटर कहते हैं क्या सिर्फ तीन बच्चे लेकिन मैंने तो सुना था यहाँ पर कई दर्जन बच्चे रहते हैं इधर तब तक वो तीनों बच्चे भी मटक मटक कर बचकानी हरकते करते करते मिस्टर एंड मिसेस हेटर के सामने आ जाते हैं वो तीनों बच्चे एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और इधर सिस्टर्स मिस्टर एंड मिसेस हेटर को उन बच्चों की फीचर्स बताने लगती है इसी दौरान टेडी नाम का एक बच्चा वहाँ पर आ टपकता है जिसको सिस्टर्स छिपाना भूल गया था उन चारों बच्चों में से टेडी दिखने में बहुत गजब था पर फिर भी मिस्टर एंड हेटर मोई को ही गोद लेते हैं आगे मोई अपने दोस्तों ऐसी अलविदा कहकर उनकी आखिरी निशानी के तौर पर लैरी का एक गुच्छा बाल खर्च लेता है और कार्ली के सर पर हाथ फिराता है पर उसके हाथ जब कुछ नहीं लगता तब उसके नाक से एक गुच्छा बाल नोचकर जेब में भरकर अपने साथ लेकर जाता है गाड़ी में उसके नकली माता पिता उससे कहते हैं बेटा आज ही तुम्हारा बर्थडे है क्योंकि आज ही हमने तुम्हें गोद लिया है इसीलिए तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए हम तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करेंगे जिसमे मोई कहता है की वो तो बस अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता है इसीलिए क्यूँ न आप लोग उन दोनों को भी गोद ले ले ये बात मिस्टर एंड मिसेस हेटर को ठीक ऐसी हजम नहीं होती इसीलिए वो दोनों मोई के पिछवाड़े में लात मार कर उसे अनाथालय में अपने दोस्तों के पास छोड़कर टेडी को अपने साथ लेकर जाते हैं खैर इसके बाद 25 साल ऐसे ही चुटकियों में गुजर जाते हैं पर वो तीनों अभी भी वैसे के वैसे ही थे और वो तीनों अब तो और भी ज्यादा बेवकूफ हो गए थे उन्हें चर्च की घंटी को ठीक करने का काम दिया गया था पर वो तीनों तो गैरेज में घोड़े बेच सो रहे थे इसीलिए हेड सिस्टर आग आकर उन्हें अच्छे ऐसी सबक सिखाती है और फटाफट चर्च की घंटी को ठीक करने के लिए कहती है वो तीनों लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते करते सीढ़ी लेकर चर्च के पास पहुँच जाते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था की बेल को कैसे ठीक करना है इसीलिए लिए कार्ली स्क्रू ड्राइवर लाने के लिए जाता है और इधर वो दोनों हथौड़ा और छैनी लेकर घंटी को ठीक करने लगते हैं दूसरी तरफ हम चर्च के फादर को देखते हैं जो हेड सिस्टर आग बबूला ऐसी मिलने के लिए आते हैं और उन्हें उनके अनाथालय के बारे में एक बुरी खबर बताते हैं सिस्टर आग बबूला सबसे पहले ये खबर मोई लैरी और कार्ली को बताना चाहती थी इसीलिए वो मुँह उठाकर उनके पास आने लगती है इधर कार्ली को, को कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं मिला तो वो एक चैंसो लेकर आता है और उसे ऑन करके उसे कमर में लटका कर सीढ़ी से होकर ऊपर आने लगता है जिससे उस सीढ़ी का दो हिस्से में बंटवारा हो जाता है ऊपर पहुँचते ही वो सबसे पहले चेंसो मोई के मुँह पर चलाने वाला था पर मोई अपने आप को संभाल लेता है वो कार्ली के ऊपर पहले चेन सौ और बाद में हथौड़े ऐसी हमला करता है पर वो हथौड़ा खुलकर नीचे मौजूद सिस्टर आग बबुले के सर के ढाई इंच ऊपर ऐसी होकर बाल्टी में जाकर गिरता है इधर बेवकूफ लैरी घंटे के ऊपर डू नॉट रिमूव दिस का वार्निंग देख भी उसे हटा देता है जिससे वो तीनों घंटी को ठीक करते करते हेड सिस्टर की ही घंटी बजा देते हैं वो दोनों तुरंत सीढ़ी से होकर नीचे उतरते हैं पर सीढ़ी का तो बंटवारा हो गया था इसीलिए वो दोनों के दोनों सीधा जाकर हेड सिस्टर के ऊपर थोपड़े के बल गिरते हैं अब सिस्टर की बची कु जान को वापस लाने के लिए वो तीनों सिस्टर के मुंह पर वही पानी डालते हैं जिसके अंदर हथौड़ा गिरा हुआ था हथौड़ा खाकर सिस्टर का काम लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुका था इसीलिए वो तीनों वहाँ से नौ दो ग्यारह हो जाते हैं रास्ते में वो तीनों अनजाने में एक फादर के सीढ़ी को गिरा देते हैं जो सीधा सिस्टर्स के ऊपर जाकर गिरते हैं उन तीनों को लग रहा था की वो आदमी सिस्टर्स के साथ बदसुलुकी कर रहा है इसीलिए वो तीनों उसकी जमकर पिटाई करते हैं और उसके काक के बाल को भी नोच लेते हैं तभी सिस्टर आग बबुल आकर कहती है की वो किसी के साथ बदसुलूकी नहीं बल्कि अपना काम करने आए हैं ये बात सुनकर वो तीनों तुरंत अपने कपड़े बदल कर बच्चों की तरह बन जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो आदमी किसी को एडॉप्ट करने के लिए आया है खैर इसके बाद सिस्टर आग बबूला सभी बच्चों को एक साथ बुलाकर एक अर्जेंट मीटिंग करती है उनका कहना था कि इस महीने के अंत होते होते हमें इस अनाथालय को बंद करना होगा क्योंकि इस अनाथालय को चलाने के लिए हमने सरकार से जो तिरासी हजार डॉलर लोन लिया था वो हम अभी तक चुका नहीं पाए ये बात सुनकर मोई कहता है लेकिन आपने इतने सारे पैसे लोन क्यों लिया था सिस्टर तब सिस्टर कहती है साले तुम लोगों ने इतने दिनों तक अनाथालय का जो नुकसान किया उसी के भरपाई का पैसा है ये अब ये बात सुनकर वो तीनों फैसला करते हैं की वो तीनों तीस दिन के अंदर तिरासी डॉलर का जुगाड़ करेंगे और उस ऑर्फनेज को बचाएंगे जिसके बाद वो तीनों जिंदगी में पहली बार उस अनाथालय को छोड़कर पैसे कमाने के लिए निकल जाते हैं उन तीनों ने एक जुगाड़ू साइकिल बनाया था जिसमें वो तीनों बैठकर रस्सी को ट्रक में लटका देते हैं लेकिन उन तीनों गदर गांडुओं ने रस्सी के दूसरे छोर को अपने साइकिल के पिछुंडो में लगाया था इसीलिए वो तीनों घिसड़ घिसड़ कर शहर पहुँचते हैं हैं। और सड़क पर ढोल नगाड़ा बजाते बजाते अपने लिए एक तिरासी हजार डॉलर की नौकरी ढूंढने लगते हैं जिसके लिए वो तीनों कुछ भी करने के लिए तैयार थे बोले तो कुछ भी दूसरी तरफ हम नमक हलाल बीबी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने फर्जी पति के साथ अपने असली पति को मारने के लिए एक प्लान बना रही थी वो दोनों भी खिड़की से उन तीनों को ढोल नगाड़ा बजाते हुए देख लेते हैं और नमक हलाल बीबी उन तीनों के पास जाकर कहती है जेंटलमैन देखिए मैं आपको तिरासी हजार डॉलर दे सकती हूँ लेकिन इसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा तिरासी हजार डॉलर का नाम सुनते ही वो तीनों काम ना जाने ही काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं नमक हलाल बीबी कहती है पैसे तो आपको ठीक टाइम पर मिल जाएंगे लेकिन आपको मेरे पति को मारना होगा क्या आपके पति को मारना होगा देखिए मैडम आप गलत जगह पर आ गए हैं हम लोग सुपारी नहीं लेते नहीं मैं सुपारी देने नहीं आई हूँ ये तो बड़े पुण्य का काम है आप तीनों को मेरे पति को मुक्ति देना है तभी नमक हलाल बीबी के नकली पति भी वहाँ पर आ टपकता है उसका कहना था की वो एक कड़क बीमारी ऐसी पीड़ित है जो उसे पल पल तड़पा तड़पा कर मार रहा है इसीलिए वो उन तीनों को जब वो रात को चद्दर लपेट कर सो रहा होगा तब लाइट्स को ऑफ करके उसे मारने के लिए कहता है यहाँ पर हमें नमक हलाल बीबी और उसके फर्जी पति की बातों से ही पता चल जाता है कि ये उनका एक प्लान है दरअसल नमक हलाल बीबी अपने असली पति को मरवा कर उसके जायदाद को हड़प कर अपने इस नकली पति को असली पति बनाना चाहती है इसी बीच कार्ली उस फर्जी पति को सड़क पर धक्का दे देता है और वो एक ट्रक में जाकर टकराता है और बाद में एक साफ सफाई करने वाले गाड़ी रास्ते में उसे रगड़ देता है ये देखकर नमक हलाल बीबी गुस्से में आकर कहती है ये क्या कर दिया तुमने पागल हो क्या जो कहकर वो उन तीनों को गंदी गंदी गालियां देकर बिना पैसे दिए ही अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से रफू चक्कर होने लगती है वो तीनों भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके गाड़ी को पकड़ कर अपने तिरासी हजार डॉलर लेने के लिए उसके घर तक पहुँच जाते हैं उन तीनों को देख कर नमक हलाल बीवी की पहले तो फट कर चार सौ चौसठ हो जाती है और बाद में वो उन तीनों से ये कहता है की उसका पति अभी तक मरा नहीं है इसीलिए पैसे तो उसे मरने के बाद ही मिलेंगे जो कहकर वो उन तीनों को उठा कर फेंक देती है इसके बाद वो तीनों उसके आधे मरे हुए नकली पति को पूरा मारने के लिए हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ पर पेशेंट ऐसी मिलने का वक्त खत्म हो चुका था लेकिन वो तीनों पेशेंट ऐसी मिलने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए आए थे इसलिए वो तीनों रिसेप्शनिस्ट को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर जब वो नहीं मानती तब वो तीनों डॉक्टर और नर्स के कपड़े पहनकर बड़ी मुसीबतों का सामना करके आखिरकार नमक हलाल के नकली पति के पास पहुंच जाते हैं उसके पूरे शरीर में प्लास्टर किया हुआ था इसीलिए वो उन तीनों को देख कछुए की तरह अपने प्लास्टर के अंदर छिप जाता है वो तीनों भी किसी ऐसी कम नहीं थे और उन्होंने अपने साथ बम भी लेकर आए थे जिस वो तीनों उस प्लास्टर के अंदर डाल देते हैं और उसके फटते ही वो नकली पति ढाई फीट ऊपर उछल जाता है इसके बाद वो अपना जला हुआ मुंह प्लास्टर से बाहर निकाल कर उन तीनों से कहता है कि उसका लाइलाज बीमारी अब बिल्कुल ठीक हो चुका है इसीलिए अब उन्हें उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है तब तक वहाँ पर सिक्योरिटी भी पहुँच चुका था इसीलिए वो तीनों उन्हें मार कर वहाँ ऐसी नौ दो ग्यारह हो जाते हैं उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था इसीलिए वो तीनों छत से कूद पड़ते हैं और एक आदमी के ऊपर जाकर गिरते हैं वो आदमी दरअसल और कोई नहीं बल्कि टेडी है जिसे बचपन में मोई की जगह पर मिस्टर एंड मिसेस हेटर अपने साथ लेकर गए थे टेडी उन तीनों के बालों के कटिंग को देखकर ही उन तीनों को पहचान लेता है कि वो तीनों मोई लैरी और कार्ली है सबूत के तौर पर वो उन तीनों को अपने बचपन की एक फोटो भी दिखाता है इसके बाद टेडी उन तीनों को अपनी कहानी बताता है की कैसे उसकी अमीर माँ कुछ साल पहले ही चल बसी और जाते जाते उन्होंने अपनी पूरी जायदाद और संपत्ति अपने पति को छोड़कर मेरे नाम करके गयी इसीलिए अब वो बहुत अमीर है और उसकी एक मखमल बीवी भी है जिसके बाद वो उन तीनों की एक अतरंगी फोटो लेकर उन्हें अपने घर खाने के लिए लाता है और फिर वहाँ से चला जाता है उन तीनों के पास पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं था तभी मोई के दिमाग में एक आइडिया आता है और उन तीनों के पास से मिला जुला कर जो सत्तर डॉलर पड़े हुए थे उनसे वो लोग खेती करने का फैसला करते हैं दूसरी तरफ टेडी अपने बचपन की दोस्तों की फोटो को देख कर उन्हें याद कर रहा था तभी उसकी बीवी वहाँ पर आ जाती है और हम देखते हैं की वो और कोई नहीं बल्कि नमक हलाल बीवी थी जो अपने पति यानी टेडी की हत्या करके उसकी संपत्ति को हड़पना चाहती थी टेडी उसे भी अपने बचपन की दोस्तों की फोटो दिखाता है जिसे देखकर कर नमक बीवी का मुँह सिकुड़ जाता है क्योंकि वो तीनों वही थे जिसे उसने अपने पति को मारने की सुपारी दिया था खैर उधर हम देखते हैं कि वो तीनों खेती तो करते हैं लेकिन किसी सब्जी या फिर फल की नहीं बल्कि मछलियों की वो तीनों चिलचिलाती धूप में एक गोल्फ के मैदान में मछलियों को बिछा कर उनमे पानी डाल रहे थे तभी वहाँ पर उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस आ जाते हैं और उन्हें अपनी जान बचा कर वहाँ ऐसी भागना पड़ता है पुलिस से बचने के लिए वो तीनों एक थिएटर का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर जाते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं अब बात इतनी बढ़ गई थी कि बात से कुछ भी बात नहीं बन रही थी इसीलिए वो तीनों अपने अनोखे अंदाज से एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगते हैं इसी बीच वहाँ पर दर्शकों की तालियां गूंज उठती है और उन तीनों को पता चलता है कि अब तक वो तीनों स्टेज में ही बहस कर रहे थे दरअसल वहाँ पर ऑडिशन चल रहा था और वहाँ के जज को उन तीनों के एक्टिंग करने का तरीका बहुत रियलिस्टिक लगा इसीलिए वो लोग मोई को अमेरिका के सबसे बड़े रियलिटी शो में कास्ट कर लेते हैं इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और हम लैरी और कार्ली को देखते हैं जो सरकारी जू के बाहर सस्ते दाम में आइसक्रीम खरीद कर उन्हें महंगे में बेच रहे थे उनकी बहुत बुरी कट रही थी और वो दोनों मुंह लटका कर चलते थे डस्टबिन से खाना खाते थे साथ ही साथ वो दोनों अपने दोस्त मोई को ढूंढने के लिए जगह जगह पर उसके लापता होने की पोस्टर चिपकाते फिरते थे इसी बीच एक दिन वो दोनों टीवी में मोई को देखते हैं जो कि अभी बहुत फेमस हो चुका है और हर रोज टीवी में उसका शो आता है वो दोनों भी मुंह उठाकर मोई से मिलने के लिए स्टूडियो पहुँच जाते हैं जहाँ पर पहले उनकी मुलाकात मिस्टर हेटर से होता है जो की उस स्टूडियो का मालिक था और ये वही आदमी है जो आज से पच्चीस साल पहले मोई की जगह पर टेडी को एडॉप्ट करके अपने साथ घर लेकर गया था वहाँ पर उसकी फैमिली फोटो भी मौजूद थी जिसमें नमक हलाल बीवी भी मौजूद थे ये देखकर उन दोनों के सामने सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है वो दोनों समझ जाते हैं कि नमक हलाल बीवी उनके दोस्त टेडी को मारना चाहती है तब तक मोई भी उन दोनों को देख कर उनके पास आकर उन्हें गले लगाता है और फिर वो तीनों टेडी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं दूसरी तरफ आज टेडी और नमक हलाल बीवी की मैरिज एनिवर्सरी थी इसलिए टेडी के घर में एक जोरदार पार्टी चल रहा था वो तीनों भी कुछ आवारा कुत्तों को पकड़कर उस पार्टी में पहुंच जाते हैं उनका मकसद तो टेडी को बचाना था पर पार्टी में मुफ्त का खाना पाकर वो तीनों हफ्ते का खाना एक ही दिन में खा लेते हैं इधर नमक हलाल बीबी और उसका नकली पति भी उन तीनों को देख उनके पीछे पड़ चुके थे वो तीनों भागते भागते टेडी के रूम तक पहुँच जाते हैं और टेडी को सब कुछ खोल बताते है की उसकी बीवी उसे मारना चाहती है टेडी को पहले तो उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता पर जब उसकी बीवी अपनी फर्जी पति के साथ बंदूक लेकर वहाँ पर आ पहुँचती है तब उसे अपने दोस्तों की बातों पर भरोसा होता है इसी बीच वहाँ पर मिस्टर हेटर भी बंदूक लेकर पहुँच जाते हैं टेडी और उसके तीनों बेवकूफ दोस्तों को लग रहा था कि अब वो चारों बच जाएंगे लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है दरअसल ये सब कुछ किया धराया मिस्टर हेटर का है और नमक हलाल बीबी और किसी की नहीं बल्कि मिस्टर हेटर की गर्लफ्रेंड है असल में मिस्टर हेटर बहुत गरीब था इसलिए पच्चीस साल पहले उसने एक अमीर लड़की मिसेस हेटर ऐसी शादी किया और उन दोनों ने टेडी को गोद भी लिया उसका सोचना था की मिसेस हेटर के मर जाने के बाद उसकी पूरी जायदाद उसके हवाले हो जाएगी और वो नमक हलाल बीवी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी ऐश करेगा लेकिन मिसेस हेटर ने मरते मरते अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर गई इसीलिए मिस्टर हेटर ने यह प्लान रचा खैर अब मिस्टर हेटर उन सभी को एक गाड़ी में लोड करके उन्हें मारने के लिए एक सुनसान जगह पर लेकर जाने लगते हैं इसी बीच वो गाड़ी रास्ते से हटकर सीधा एक तालाब में जाकर गिरता है और वो सभी गाड़ी के ऊपर बड़ी मुश्किल से सांस लेकर जिंदा रहते हैं अब डर के मारे कार्ली वहाँ पर एक जोरदार बाद मारता है जिससे उनका सांस लेना वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है इसी बीच मोई अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाता है और एक माचिस की तीली को जलाता है माचिस की तीली से कार्ली के पाद में आग पकड़ता है और एक धमाके से वो सभी गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आकर उन्हें रेस्क्यू करते हैं और मिस्टर हेटर नमक हलाल बीबी और उसके फर्जी पति को जेल में हवा खाने के लिए लेकर जाते हैं मोई कार्ली और लैरी ने टेडी की जान बचाई इसीलिए वो तीनों अनाथालय को बचाने के लिए टेडी ऐसी तिरासी डॉलर मांगते हैं पर टेडी उन्हें उस अनाथालय को बचाने के लिए फूटी कौड़ी देने के लिए तैयार नहीं था क्यूँकी उस अनाथालय ने बिना कुछ जाँच पड़ताल किए उसे बचपन में एक ऐसे परिवार को बेच दिया जो उसे मारना चाहते थे खैर आगे वो तीनों मुँह लटका कर अपने एक जुगाड़ू गाड़ी से अपने अनाथालय में पहुंचते हैं जो अब पूरी तरीके से बंद हो चुका था ये देखकर उन तीनों को बहुत दुख होता है तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ बच्चों की किलकिलाहट की आवाज़ सुनाई देता है झाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा आलिशान अनाथालय और एक मसाज सेंटर खुला हुआ था जिसमे सभी अनाथ बच्चों के साथ साथ सिस्टर्स भी मजे कर रहे थे तभी वहाँ पर वो डायरेक्टर जिसने मुई को रियलिटी शो में मौका दिया था वो आकर कहता है की ये सारा पैसा उसी ने दिया है जो की एडवांस है और मुई को और भी पैसे मिलेंगे अगर वो रियलिटी शो को पूरा करता है दरअसल मोई की वजह से उस रियलिटी शो की टीआरपी काफी बढ़ गई थी इसीलिए वो डायरेक्टर मोई को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था यहाँ पर मोई भी उस शो को करने के लिए तैयार हो जाता है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है